विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस भिलाई नगर दुर्ग में आप सभी का स्वागत है। मैकेनिकल ड्राफ्टिंग डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेस्ड ऑन जीटीयू अहमदाबाद सिलेबस से यूनिट 6 ड्राफ्टिंग सिंबल के तहत मशीनिंग सिंबल एंड इट्स इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे। कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या है? ये स्प्रिंग इज ए इलास्टिक ऑब्जेक्ट यूज टू स्टोर मैकेनिकल एनर्जी। स्प्रिंग आर यूजली मेड आउट द स्प्रिंग स्टील। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग डिजाइन इन द एवरीडे यूजेस ऑफ द टर्म ऑफ रेफर टू कॉइल स्प्रिंग। बी विड्थ ऑफ लीफ स्प्रिंग, सी स्प्रिंग रेट, डी वायर डायमीटर, कैपिटल डी मीन डायमीटर, कॉइल डायमीटर, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एफ स्प्रिंग फोर्स, जी शेयर मॉडुलस, एच हाइट ऑफ स्प्रिंग लीफ, एन नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स, एम स्प्रिंग टॉर्क, स्मॉल एस स्प्रिंग डिफ्लेक्शन, अल्फा एंगल ऑफ रोटेशन एंड टॉर्सनल स्ट्रेसेस। ये देखिए, ये स्प्रिंग का व्यू है, इस सेक्शनल व्यू है, इसको सिंप्लीफाइड इस तरह से हम लोग करते हैं। सिलेंड्रिकल हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग ऑफ वायर ऑफ सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन, ये इस तरह का दिखता है, इसका पिक्चोरियल व्यू ये है और सेक्शनल व्यू ये है और सिंप्लीफाइड है। सिलेंड्रिकल हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग ऑफ द वायर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, कॉनिकल हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग ऑफ वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, कॉनिकल हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग ऑफ वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सिलेंड्रिकल हेलिकल टेंशन स्प्रिंग ऑफ वायर ऑफ सर्कुलर सेक्शन, डबल कॉनिकल हेलिकल टेंशन स्प्रिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन, सिलेंड्रिकल हेलिकल टॉर्सन स्प्रिंग ऑफ वायर ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, कप या डिश स्प्रिंग, मल्टी कप स्प्रिंग सक्सेसिव कंप्रेसिव अल्टरनेटिव द डायरेक्शन, स्पायरल स्प्रिंग द स्पायरल वाउंडेड बाय द रोटेशन ऑफ द बॉक्स। सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग विथ आईलेट्स, सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग विद सेंटर बैंड, सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग विथ आईलेट्स एंड सेंटर बैंड। कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शाफ्ट। ए शाफ्ट इज ए रोटेशनल मशीन एलिमेंट यूजेस सर्कुलर इन द क्रॉस सेक्शन विच इज यूज टू द ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट आर फ्रॉम ए मशीन विच प्रोड्यूस पावर टू ए मशीन विच एब्जॉर्ब पावर। द वेरियस मेंबर सच एज पुल्ली एंड गियर आर माउंटेड ऑन इट। ये देखिए, नेम ऑफ शाफ्ट है, ये सब्जेक्टेड मतलब इस तरह का डिजाइन होता है और कन्वेंशनल में इस तरह का होता है। सर्किटेड शाफ्ट, स्प्लाइन शाफ्ट, स्क्वायर ऑन शाफ्ट, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेयरिंग। ए बेयरिंग इज ए मशीन एलिमेंट दैट कंस्ट्रेन रिलेटिव मोशन टू ओनली द डिजायर मोशन एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स। द डिजाइन ऑफ द बेयरिंग मे फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइड फॉर द फ्री लीनियर मूवमेंट ऑफ द मूविंग पार्ट आर फॉर द रोटेशनल अराउंड ए फिक्स एक्सिस आर इट मे प्रिवेंट ए मोशन बाय द कंट्रोलिंग द वेक्टर्स ऑफ नॉर्मल फोर्सेज दैट बियर ऑन द मूविंग पार्ट। मैनी बेयरिंग ऑल्सो फैसिलिटेट द डिजायर मोशन एज मच एज पॉसिबल सच एज बाय द मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन। बेयरिंग आर क्लासिफाइड ब्रॉडली अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑपरेशन द मोशन अलाउड आर टू द डायरेक्शन ऑफ द लोड अप्लाइड टू द पार्ट। देखिए, बेयरिंग है, ये सब्जेक्ट बेयरिंग ऐसे दिखती है, क्रॉस सेक्शन सेक्शन अगर देखेंगे तो बेयरिंग कैसा दिखता है, कन्वेंशनल ऐसा दिखता है। ये देखिए,
डीप ग्रूव नियरर एंगुलर कॉन्टेक्ट, ये बेयरिंग का क्रॉस सेक्शनल है, ये कन्वेंशनल है, ये देखिए एंगुलर है, कॉन्टेक्ट है, बेयरिंग क्रॉस सेक्शनल है, ये इसका कन्वेंशनल है, रोलर बेयरिंग, ये देखिए रोलर बेयरिंग है, सेक्शनल है, कन्वेंशनल है, टेपर रोलर सेक्शनल व्यू है और कन्वेंशनल, थ्रस्ट कन्वेंशनल। कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गियर, गियर आर ए मशीन एलिमेंट विच आर यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन बिटवीन शाफ्ट सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस। इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ईच गियर इज प्रोवाइडेड विथ द प्रोजेक्शन कॉल्ड टीथ एंड इंटरमीडिएट डिप्रेशन कॉल्ड द टूथ स्पेसेस। वाइल टू गियर आर मैचिंग द गियर ऑफ वन गियर एंटर द स्पेसेस ऑफ द अदर। Thus the drive is a positive and when one gear rotate the other also rotate transmitting power from one shaft to the other। ये देखिए स्पर गियर इस तरह का होता है, हेलिकल गियर इस तरह का होता है, बेबल गियर इस तरह का होता है, वार्प एंड आर्म गियर होता है, रैक एंड पिनियन इस तरह का होता है। इनके कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन देखिए, स्पर गियर ये इस तरह का पिक्चोरियल व्यू होता है, इसे कन्वेंशनल है, बेबल गियर पिक्चोरियल व्यू है और एक कन्वेंशनल है, वार्म व्हील का पिक्चुरियल भी हुए है, कन्वेंशनल है, वार्म का कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नर्लिंग, द ऑपरेशन इज परफॉर्म फॉर प्रोड्यूसिंग द इंडेंटेशन ऑन ए पार्ट ऑफ वर्क पीस। नर्लिंग अलाउ हैंड आर ए फिंगर टू गेट ए बेटर ग्रिप ऑन द नर्ल ऑब्जेक्ट देन वुड बी प्रोवाइडेड बाय द ओरिजिनली स्मूथ मेटल सर्फेस। ऑकेशन नर्ल पैटर्न इज ए सीरीज ऑफ द स्ट्रेट राइट आर ए हेलिक ऑफ स्ट्रेट राइट्स रेदर देन द मोर यूजली क्राइसिस क्रॉस पैटर्न। स्ट्रेट नर्लिंग देखिए ऑब्जेक्टिव में होता है, कन्वेंशनल में होता है, डायमंड नर्लिंग इस तरह से होता है, कन्वेंशनल में ऐसा होता है। थ्रेड सिंबल, यह देखिए इस रॉड पर एक थ्रेड बना हुआ है, ये इसमें ये इसका डेप्थ को दिखा रहा है, क्रस्ट दिखा रहा है, या रूट दिखा रहा है, या इसके साइड है, ये माइनर डाया है, ये पिच डाया है, ये मेजर डाया है, इसको पिच बोलते हैं, ये एंगल बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक पूरा यहाँ तक यानी यहाँ से इसके पेरिफेरल यहाँ तक के इसको हम लीड बोलते हैं। ये एक्सटर्नल थ्रेड है, ये इंटरनल थ्रेड है। थ्रेड सिंबल, स्क्रू थ्रेड फॉर्म, देखिए एस आर बी है, ये अमेरिकन नेशनल है, ये यूनिफाइड एक्सटर्नल है, ये मैट्रिक थ्रेड है, ये स्क्वायर में, ये इनके एंगल और शेप के आधार पे इनके नाम नेमिंग किया हुआ है, ये स्क्वायर है, ये एक में है, ये वाइवर्थ है, ये नकल है, ये बटर है, बटर है। ये देखिए राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड थ्रेड इज वन दैट एडवांस इनटू ए नट व्हेन द टर्न क्लॉकवाइज। ए लेफ्ट हैंड थ्रेड इज ऑन द एडवांस इनटू नट व्हेन टर्न काउंटर क्लॉकवाइज। ये देखिए ये लेफ्ट हैंड थ्रेड है, ये इस तरफ घूमेगा और राइट हैंड थ्रेड का ये इस तरफ क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, थ्रेड सिंबल, ये देखिए थ्रेड का जो नेमिंग होता है ये इस तरह से लिखा रहता है, यम मैट्रिक थ्रेड लिखेगा, जे मैट्रिक थ्रेड फॉर्म किस तरह का है, मेजर डाया पिच 10 है, और ये उसके पिच का के बारे में, मतलब इस तरह का अगर नेमिंग किसी थ्रेड के बारे में लिखा तो ये पिच होगा, ये मेजर डाया पिच होगा, ये वाला मैट्रिक थ्रेड फॉर्म होगा और यह मैट्रिक थ्रेड का नाम होगा। कन्वेंशनल रिप्रेजेंट इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेड, एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड देखिए ऑब्जेक्ट में इस तरह का दिखता है, कन्वेंशन में है, इंटरनल स्क्रू थ्रेड में ये इस तरह ऑब्जेक्ट में दिखता है, इंटरनली ये इसको दिखाएंगे,
स्क्रू थ्रेड, ये सब्जेक्ट इस तरह दिखता है और इंटरनल कन्वेंशन में इस तरह दिखाएंगे। द मैट्रिक स्क्रू थ्रेड ऑन द वर्ल्ड बाय मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ द जर्नल पर्पस स्क्रू थ्रेड है। हम डेजिनेशन मैट्रिक स्क्रू इंडिकेटर नॉर्मल आउटर डायमीटर ऑफ स्क्रू द मिलीमीटर। ये देखिए, ये एक्सटर्नल और ये वाला इंटरनल है मैट्रिक थ्रेड के लिए, ठीक। ये इसका पिच है और ये पूरे इनकी जो फॉर्म है, मैं कोई भी डिजाइन करने के लिए किस तरह कर लेते हैं, पिच, हाइट, मेजर डायमीटर, और ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये पिन, स्प्लिट क्वार्टर पिन, ये इस तरह का होता है। क्वार्टर पिन ये देखिए इस तरह का होता है। डबल पिन एंड टेपर पिन, डबल पिन ये होगा और टेपर पिन ये होता है। रिब, ये इसको रिब बोलते हैं। देखिए इस सपोर्ट को, इस एक्स्ट्रा एडिशनल सपोर्ट देने के लिए इसको रिब बोलते हैं। और एक कर्व जो रहता है, कर्व, इसको हम लोग फिलेट बोलते हैं।